पवन दूत का शीर्षक का अगला पद आप लोग देखिए, योगी राजा पवन दूती से कहती है पवन दूतिका, योगी राजा पवन दूतिका से कहती है कि अगर मर्जा जाते जाते रास्ते में कोई क्षति दिखाए तो उसकी नदी जाकर उसे थकान को दूर कर दे, यही बता रहे योगी राजा पवन दूती से कहती है, जाते जाते अगर पथ में क्लांत होनी दिखावे तो जाते समीकर उसकी क्लांतियों को जाना, सर गंधों से प्रदूषण को अर्षितों सा बनाना, लज्जा जिला पथ पहला जो कहीं सृष्टि आए। योगनी राजा कहते कि वो पवन ऋषि जाते जाते मथुरा रास्ते में अगर कोई थका हुआ दिखाए उसके निकल जाकर उसके नजदीक जा करके उसके क्रांतियों को मिटाना, उसके थकान को मिटा देना, दूर कर देना, धीरे धीरे पर्श करके जा उसके शरीर को धीरे धीरे पर्श करके धीरे धीरे स्पर्श करके उसके शरीर को धीरे धीरे स्पर्श करके ताप होना उसके थकान को दूर कर देना, धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसके थकान को दूर कर देना। स्वर्गो अपने सुगंध से थके हुए लोगों को हर्षितों का बनाना, प्रसन्नचित का बना देना, सदगंधों से हे पवन अपने सदगंध से अपने सुगंध से प्रणित जन को थके हुए लोगों को हर्षितों का बनाना, प्रसन्नचित का बना देना। फिर आगे कर गए लज्जा शिला पति महिला जो कहीं दूर आए होने देना दुखित बसना तो न तो कुंडली को जो थोड़ी भी प्रणित हुआ हो वो जगह प्रारंभिक करना, ओठों की और कमल की नाम धारण मिटाना, ओठों की और कमल की नाम धारण मिटाना। योगनी राजा पवन दूती से कहती है कि ये पवन दूती मथुरा जाते थे वहां का रास्ते में लज्जा शिला पति महिला, लज्जावान महिला, लज्जावान स्त्री, लज्जा सीधा पथ पैदा, लज्जा सीधा लज्जावान अर्थात घर उठा, लज्जा सीधा पथ पैदा, लज्जावान पथ की स्त्री जो कहीं दृष्टिया में जो कहीं तुम्हारे नजर में दिखाई दे तो होने देना दुख बपना छोड़ना कुछ तो कुंडली को तो इस स्त्री का बपना जो भर कर विकृत न होने देना, बिगड़ने मर जाना तो उस स्त्री का जो वक्त है उस प्रक्रिया जारी उसको बिगड़ने मर देना, जो थोड़ी भी प्रणित हुआ हो जो हुआ अगर थोड़ी सी भी थकी हो तो बहुत प्रार्थित होना अपने बोध में लेकर के उसके थकान को दूर कर देना, जो थोड़ी भी प्रणित हुआ हो अगर जो थोड़ी सी भी हुआ थकी हो तो बोध में अपने बोध में लेकर के प्रार्थित होना उसके थकान को दूर कर देना। ओटों की और कमलों की मानता लिखना उसके ओट की और कमल के समान के रूप की मलिनता को राशि को दूर कर देना। कोई क्लांता कृषक लंबा के हुए जो दिखाए धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जरा यदि हो जाने तो उसे ला छाया बगा सके करना तक बिताना। देवनी राधा पवन दूति से कहती है कि हे पवन दूति मथुरा जाते समय रास्ते में कोई क्लांता कृषक लंबा, कृषक लंबा किसान की स्त्री कोई क्लांता कोई थक नहीं खेत में दिखावे, खेत में जो अपने दिखाई दे किसान की स्त्री कोई थकी भी जो अपने खेत में दिखाई दे धीरे धीरे बरस उसको धीरे धीरे स्पर्श करके क्लांतियों को मिटाना उसके थकान को दूर कर दे। जाता कोई जरा देरी हो दोनों अगर जो मेरे आकाश में कोई जरा जाता हो कोई उड़ता हुआ बादल जा रहा हो तो फिर उस बादल को ला करके छाया द्वारा उस बादल की छाया द्वारा तब बताना को दुखी स्त्री को थके हुए स्त्री को सुखी करना सुखी बना देना। योगनी राजा पवनदूती से कहते कि हे पवनदूती कोई क्लांता कृषक बना, कोई कृषक बनना कोई किसान की स्त्री क्लांता अगर थकी हो तो खेत में जो दिखा दे वो अपने खेत में दिखाई दे, कोई कृषक बनना कोई किसान की स्त्री
क्लांता थकी हुई जो खेत में दिखाई दे, खेत में दिखाई दे, धीरे धीरे बरस उसको, धीरे धीरे उसको स्पर्श करके क्लांतियों को मिटाना, उसकी थकावट को दूर कर देना। जाता कोई जन यदि उड़ यदि आकाश में उठता हुआ कोई बादल जा रहा हो तो उसे ला और बादल को ला करके छाया द्वारा, बादल की छाया के द्वारा तप भटावना को लेकर स्थित हो, उसकी गणना